राहुल की तबीयत वहाँ से जांजगीर से लेने के बाद में आने के बाद में हमने उसकी बीपी, शुगर और ऑक्सीजन सेचुरेशन, पल्स रेस्पिरेशन सभी को जांच किए तो अभी सभी नॉर्मल है। उसको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और यहाँ पे अभी स्वस्थ है। पाँच दिनों से पानी में था जी, पानी में उसका हाथ जो है डूबा हुआ था, दाहिना हाथ और दोनों पैर, तो उसमें चिन्ह आए हैं जो डूबने के चिन्ह आते हैं, बुझ लाइक स्किन होते हैं, वो है, वो भी करेक्शन करेक्ट हो जाएगा सर। राहुल पिछले चार दिन से दोर लेग में लगभग 60 फीट की गहराई पर फंसा हुआ था और आज उसको रेस्क्यू करके शाम को NDRF, SDRF और जो आर्मी की लोग हैं उन्होंने उसको रेस्क्यू करके हमको हैंड ओवर किया। और रेस्क्यू करने के बाद में जब राहुल हमको मिला, हमने सोचा नहीं था कि वो वाइटली इतना स्टेबल होगा, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर, शुगर, टेम्परेचर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन सारा कुछ नॉर्मल था। स्किन में कुछ चेंजेस हैं और स्किन में थोड़े एब्रेशन हैं, जो स्किन जो छिल गया है वो, अदरवाइज़ वो नॉर्मल लग रहा है सुपरफिशियली। अब यहाँ से उसका टेस्ट वगैरह सब कंडक्ट किया जाएगा। हम लोग शुरू दिन से ही फ्राइडे को जिस दिन वो गिरा था बोरवेल में, उसी दिन इवनिंग से वहाँ पर थे और अभी तक हम लोग नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट से वहाँ के जो लोकल ब्लॉक के जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं और जो स्टाफ हैं वो लोग भी थे। हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से गए थे कुछ लोग, जिसमें हम लोग 3 डॉक्टर्स थे और बाकी वहाँ की जो लोकल टीम थी हेल्थ डिपार्टमेंट की ब्लॉक लेवल की, वो लोग। कैसा लग रहा है आप लोग इतना मेहनत किए हैं, आज नतीजा ये? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा वहाँ पे 4-5 दिन का जो इस धूप और गर्मी में जो संघर्ष था वो लगभग सफल हो गया।